In we are solving 8.1 exercise, that is introduction of trigonometry, and let us see what is question number 8. What is question number 8? Question number 8 mein you can see at your screen ki 8 question mein aapko de rakha hai ki kuch cot 3 cot a aapko de rakha hai. 3 cot a is equal to what? 4. 3 cot a 4 a 4 hai, aur aapko check karna hai. Kya check karna hai ki आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपको ये चेक करना है कि ये बराबर होता है कि नहीं. किसके बराबर? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है. मतलब एलएचएस और आरएचएस वाला क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद आरएचएस एंड एलएचएस. तो हमको पता है कि कॉट ए क्या होता है. कॉट ए बराबर 4/3. कॉट ए बराबर ये, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि टेन ए क्या हो गया? टेन ए इसका उल्टा होता है. दिस इम्प्लाइज दैट हम लास्ट वीक क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, टेन ए क्या हो गया, इसका मतलब टेन ए हो गया मेरे पास 3/4. 3/4 तो टेन ए क्या होता है? टेन ए जिन बच्चों को याद है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देयरफॉर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो परपेंडिकुलर तो 3x हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 4x. तो अगर परपेंडिकुलर बेस बना दिया तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज देखो, मैं विदाउट ट्राइंगल बनाया कर रहा हूं वाला क्वेश्चन. देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया? 9x² और बेस का स्क्वायर क्या हो गया? 16x². दोनों को हमने ऐड किया, क्या आ गया? 25x². तो ये क्या आ गया? 5x. ये आ गया 5x. आपने देखा 5x. और अगर मैं अब यहाँ पर ट्राइंगल बना दूं, इसके बाद आप ट्राइंगल बना लेते हैं, अगर नहीं बनाते तब भी चलेगा. अगर मैंने ट्राइंगल बनाया होता और अगर थीटा ये है तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस क्या होता मेरे 4x, परपेंडिकुलर क्या होता 3x. लेकिन मैंने ये ना करके 10 से किया तो परपेंडिकुलर क्या है? 3x. देखो 3x है, बेस क्या है? 4x है. आपने देख लो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे आप कॉट से डायरेक्ट बना लें चाहे से भी ये बना लें. अच्छा, जब ये आ गया है तो 5x क्या हो गया मेरे पास? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 5x. जब ये हो चुका है तब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से साइन एक्स क्या निकालूंगा मैं? साइन एक्स क्या है मेरे पास? साइन ए. मतलब साइन ए क्या हो गया मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 3x. और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x. तो मेरे पास 3/5 आ गया है. अच्छा, सिमिलरली अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं, मैं नाम डाल लेता हूं ट्राइंगल के, ये ए है. क्योंकि आप बोलोगे कि आप कैसे कर रहे हैं, ये ए है. अच्छा, ये बी है और ये सी है. अच्छा, ये वाला बी नहीं है, ये बेस वाला बी है, ये ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि ए दे रखा है तो मैंने ए लिया है. ठीक है, अच्छा ये बेस वाला बी है. तो कॉस ए क्या हो गया? कॉस ए हो गया मेरे पास बेस वाला बी और हाइपोटेन्यूज. मतलब 4x/5x, दैट इज 4/5. यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहां तक क्लियर हो गया. अब एलएचएस निकालते हैं हम लोग. एलएचएस में नोट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं. 1 - 10 की वैल्यू क्या है? 10 की वैल्यू है 3/4. 3/4 का स्क्वायर अपॉन 3/4 का स्क्वायर. ये क्या हो गया? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखना ये क्या हो जाएगा. 1 - 9/16 और अब यहाँ पे माइनस किया जाएगा, यहाँ माइनस किया जाएगा 16 - 9 और 16 आपका कट जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 16 कट जाएगा. क्या आंसर आएगा आपका? 7/25. एलएचएस क्या आ गया मेरा? 7/25. हम आरएचएस देखते हैं. आरएचएस कॉस स्क्वायर क्या है मेरे पास? नहीं, आप लिख के करना, आप आरएचएस यहाँ लिखेंगे फिर वैल्यू रखेंगे. ठीक है,
LHS यहाँ रखेंगे उसके बाद वैल्यू रखेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद वैल्यू रखेंगे। अच्छा माइनस साइन स्क्वायर क्या है, अच्छा ये क्या हो गया 16/25, ये क्या हो गया 9/25। अब LCM सेम है, LCM सेम है तो उसको मैं माइनस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ ये 25, 16-9 तो क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ therefore LHS equal to RHS, लिख सकता हूँ hence LHS equal to RHS। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और नॉट यस, आप कौन सा यस में देना है, यस yes, क्या है चेक आंसर क्या आ जाएगा, यस yes. आंसर आ जाएगा यस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स हैव अ ग्लांस एट द स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, उसमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 दे रखा है, कोई 10 है, 10A दे रखा है 1/√3, 10A दे रखा है 1/√3, और हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले के हिसाब से कि 10 जो A है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब किसी ट्रायंगल में अगर हम बात कर रहे होंगे तो अगर एंगल A ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, कौन सा बेस, बेस वाला बेस, ये कौन सा बेस, B है, बेस वाला बेस। अच्छा क्योंकि या मैं इसको कुछ और पॉइंट लूं, क्या पॉइंट लूं, मैं इसको पॉइंट लेता हूं एक्स वाई, तब ये बेस हो गया, ठीक है ये चीज समझो, ये बेस हो गया ठीक। अच्छा अब ये क्या दे रखा है, देयरफोर पी अपॉन बी जो है ये हो जाएगा, इन दोनों से होना चाहिए, लेट जो पी है अगर एक्स है तो बेस क्या हो जाएगा √3x, मतलब ये मेरे पास √3x है और ये क्या है 1 है ठीक, एग्री। देयरफोर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देयरफोर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अगेन पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर, मतलब 2x, ये क्या हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास 2x, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2x। अब क्वेश्चन में मुझको ए बी सी, अच्छा एंगल दे रखे हैं ए बी सी, तो मैं ट्राइंगल दोबारा स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर है, बी पे है, राइट एंगल ट्राइंगल बी पे है और ये एंगल सी हो गया, ये एंगल सी हो गया। तो अब बेस से आप कंफ्यूज मत होना ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सब कुछ मिटा देता हूँ और ट्राइंगल दोबारा बना लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बड़ा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे सी एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, ये सी है, ये पॉइंट बी है, बेस साइड ये थी, अच्छा ये क्या हो गया √3x, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया 2x, ये साइड हो गया ठीक, ये x वन एक्स मतलब x, मैं इसको मैं डाल देता हूं, अब आप कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ठीक, अच्छा बी से परपेंडिकुलर किसके सामने थी, ए के सामने थी, देखो ए के सामने, इसीलिए मैंने डाल दिया ए के सामने पर, ये ए के सामने परपेंडिकुलर है और ए के साथ वाला बेस है, मैंने इसीलिए डाल दिया है, क्यों आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा ट्राइंगल मैंने बना लिया, अब मुझे बोला गया है कॉस ए, क्या बोला गया है, क्या निकलना है साइन ए मुझे फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, मैं डायरेक्ट करूंगा यहां पे, मैं डायरेक्ट करूंगा साइड लेते हुए ठीक, डायरेक्ट करूंगा मैं बेस, और उसमें क्या कठिनाई हो जाती है, बेस पे आपने एक वर्टेक्स ले ली और बेस से बी ले लिया, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना अपने अंदर। अब बताया ऐसा क्या है, जबकि जब मैंने पढ़ा था तो मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचरों ने मुझे पढ़ाया था साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड, लेकिन आपकी बुक में बेस दे रखा है, एच दे रखा है, अगर हम पी क्यू ट्राइंगल लेते हैं, पी क्यू आर, तो पी से बच्चे, पी एक वर्टेक्स है और एक परपेंडिकुलर साइड है, ए बी सी लेते हैं तो बेस
भी आता है और वो भी आता है, तो ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होना, अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना कब मैंने बेस बोला, और मैं हर चीज क्लियर करता चल रहा हूँ, कब मैंने बेस बोला और कब मैंने वर्टेक्स बोला। आपकी ट्रायंगल में एबीसी दे रखा है तो मैंने एबीसी ट्रायंगल ले लिया और साइड बना दिए, साइड बना दिए। जब मैं साइन ए की बात करूंगा, हमको पता है साइन ए में क्या होता है, सामने वाली साइड बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी, ये साइन ए की वैल्यू लिख दी मैंने। अच्छा, कॉस सी की वैल्यू साथ वाली साइड बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी। अच्छा, अब कॉस ए मतलब साथ वाली साइड एबी हाइपोटेन्यूज एसी इनटू साइन सी सामने वाली साइड एबी और हाइपोटेन्यूज, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अच्छा, क्या वैल्यू है बीसी की, वैल्यू क्या है मेरे पास, बीसी की वैल्यू है मेरे पास, बीसी की क्या वैल्यू है एक्स, ए सी की क्या वैल्यू है टू एक्स स्क्वायर, ए बी की क्या वैल्यू है रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर बाई फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3x² / 4x² आ जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई एलसीएम लेके जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा x² + 3x², ये मेरे पास हो गया 4x² / 4x², और ये 1 आ गया, मतलब ये वैल्यू जो हमारा ये पार्ट है ये क्या गई 1 आ गई। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1, ये 1 हो गई, आप देख लो ये 1 हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसको ही कर दो, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट पार्ट यहाँ करेंगे हम लोग, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ नेक्स्ट पार्ट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, कॉस ए साइन, क्या है मेरे पास नेक्स्ट पार्ट यहाँ आ जाएगा। अच्छा, क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, कॉस सी की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन व्हाट ए सी, साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो गया, ये तो ए सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए बी इंटू बी सी, ये भी ए सी स्क्वायर हो गया, लेकिन ए बी इंटू बी सी वैल्यू रखने की जरूरत है, आंसर आ गया 0। लेकिन ये क्वेश्चन आपको उस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, ऐसे ही कर सकते थे आप वैल्यू रखने के बाद, कैसे कि एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे आप कॉस ए की वैल्यू क्या रख देते, कॉस ए की वैल्यू रखते आप लोग, कॉस ए की वैल्यू क्या रखते 2x, कॉस सी की वैल्यू क्या रखते, कॉस सी की वैल्यू क्या रखते आप माइनस, साइन ए की वैल्यू क्या रखते x / 2x। ये क्वेश्चन आप कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जो समझ में आया वैसे कर सकते हैं आप लोग, साइन सी की वैल्यू क्या रखते, साइन सी की वैल्यू रखते आप लोग, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3x² - 4x² - √3x² - 4x² एक्स एक्स कट जाता सब, मतलब 0 ही आ रहा है, 0 ही आना था, ठीक। ऐसे आप यहां पर भी वैल्यू रख के निकाल सकते थे, मैंने रखा है उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, मतलब ये स्टेप जो है यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता और उसके बाद मल्टीप्लाई करता, तब भी वही आना था। क्या बता रहा हूँ मैं कि मैंने अगर साइन, क्या बता रहा हूँ, मैंने साइन ए की वैल्यू रखी होती, क्या रखी होती x / 2x, कॉस सी की वैल्यू क्या रखी होती x / 2x, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या रखी होती √3x / 2x इंटू साइन सी की वैल्यू क्या रखी होती √3x / 2x। क्या मिला मुझे, मुझे मिला x x कट गया, क्या मिलता
एक्स एक्स कट जाता, मुझे मिलता है 1/4। ऐसे ही सारे एक्स एक्स कट जाते, क्या मिलता 3/4। देखो दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारे और तुम्हारे क्वेश्चन के सॉल्व करने के बीच में बुक नहीं आनी चाहिए, टीचर नहीं आना चाहिए, केवल सॉल्यूशन आना चाहिए कि उन सर ने ऐसे बताया है, उन सर ने ऐसे बताया है। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, हो सकता है इसके और भी तरीके हैं बेटा, बट एट योर लेवल दीज आर द एफिशियंट मेथड्स। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके 8808375702 इस नंबर पे कॉल करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। सो फार आई हैव अपलोडेड 4 कंप्लीट चैप्टर, 1, 2, 3, 4 सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख लो, इतनी अच्छी क्लास कहीं नहीं चल रही होगी। कोई प्राइवेट ट्यूशन में भी जा रहा होगा, वहां भी इतनी अच्छी क्लास नहीं चल रही होगी अगर आप देखते हैं। सेकंड थिंग, इतने ज्यादा टेस्ट, 7 टेस्ट में ऑलरेडी आई हैव टेकन, 7 टेस्ट ले चुका हूँ। आप जाके सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं उस टेस्ट से, और आगे भी ऐसे लेता रहूंगा। बट इफ यू मोटिवेट मी बाय शेयर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, so please be with me. I hope you have enjoyed the video. See you in the next video.